हेलो एवरीवन चैप्टर नंबर थ्री ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक क्लास सिक्स गॉड लिफ्ट्स यू अप ये एक पोएम है देखिए इसमें एक पिक्चर बनी हुई है इस पिक्चर को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक आदमी जा रहा है और उसके पैरों के निशान फू स्टेप्स जो दिखाई दे रहे होंगे आपको एक बराबर में एक और पेयर नज़र आ रहा है पैरों के निशान का लेकिन वहाँ कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा सिर्फ़ फूस्टेप्स नज़र आ रहे हैं तो हम देखते हैं इस पोयम में कि राइटर हमसे क्या कहना चाह रहा है और ये किसके पूछ स्टेप्स हैं आई वॉज द वन हु प्रेयर डेज एंड फेल्ट विद मी गॉड ऑलवेज स्टेज आई आस्ट गॉड हाउ विल आई नो यू आर विद मी ही सेड ऑन सैंड ऑन सैन बिसाइडियोर्स माई स्टेप्स यू विल सी एवरी टाइम आई वॉकड ऑन द स्टैंड आई सॉ दैट विद मी माई गॉड स्टैंड्स यहाँ जो राइटर है पोएट है वो ये कहता है कि मैं रोज़ भगवान की पूजा करता था मुझे लगता था कि भगवान मेरे साथ ही रहते हैं तो एक दिन मैंने भगवान से कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो तो भगवान ने कहा जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हारे फुट स्टेप्स तुम्हारे पैरों के निशान के साथ साथ तुम्हें एक और पैरों के निशान नज़र आएंगे तो वो मेरे पैरों के निशान होंगे मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ तो राइटर कहता है एवरी टाइम आई वॉक जब भी मैं सैंड पे चलता था तो मुझे भगवान के पैरों के निशान भी नज़र आते थे देन केम बैड टाइम्स एज बैड एज इट कुड बी ड्यूरिंग दैट टाइम मैं ब्रदर्स लेफ्ट मी आई वर्क ऑन स्टैंड एंड सॉ हिज फीट आई वॉज कॉम नोइंग आई वॉज काम नोइंग ऑल और आई कुड बीट यानी उसका फिर बुरा टाइम आया उसको बिजनेस में लॉस होने लगा या कोई भी उसके फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उस टाइम पे उसके ब्रदर्स यानी उसके आसपास के लोगों ने भी उसको छोड़ दिया उसके भाइयों ने भी उसको छोड़ दिया लेकिन जब भी वो सैंड पे वॉक करता था तो उसे एक और पैरों के निशान नजर आते थे तो वो शांत रहता था आई वॉज़ काम काम क्यों था वो बिकॉज उसे पता था कि भगवान मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी चीज़ से लड़ सकता हूँ मैं सब चीज़ों को हरा सकता हूँ देन टाइम्स गॉट इवन हार्शर देन एवर यानी कि समय और ज़्यादा हार्श हो गया हार्ड हो गया मतलब और बुरा समय आया नो होप ऑल ट्रस्ट आई लॉस फॉर एवर कोई उम्मीद नहीं रही मेरे धीरे धीरे मुझे मेरे विश्वास ख़त्म होने लगा अपने अंदर से क्योंकि टाइम इतना बुरा आ गया कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था दिस टाइम ऑन सेंड आई वर्क टिल नून नो फूड स्टेप्स आई सो सॉ आई वॉज़ ऑल अलोन यानी कि वो जैसे मॉर्निंग में जाता था सेंड पे वॉक करने के लिए लेकिन वो उस दिन दोपहर तक नून तक घूमता रहा लेकिन उसको अपने अलावा कोई और फूड स्टेप्स नज़र नहीं आए तो उसे लगा कि भगवान ने उसको छोड़ दिया यानी कि वो अब अकेला पड़ गया था आई सेट टू गॉड सो यू हैव लेफ्ट मी नाउ आई वॉन्टेड टू फाइट बाई डिडेंट नो हाउ तो उसने भगवान से कहा कि यानी कि आपने भी मुझे छोड़ दिया वो भगवान से लड़ना चाहता था लेकिन उसे पता नहीं था कि किस तरह से टाइम अगेन टाइम पास्ड आई स्ट्रगल्ड एंड वर्कड वॉज हैप्पी बट फेल्ट मोर ट्रबल लग्ड यानी कि धीरे धीरे टाइम पास किया उसने स्ट्रगल किया बहुत मेहनत की उसने और धीरे धीरे उसका जो बिजनेस था उसको जो कान था जो प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे वो सॉल्व होने लगी वॉज हैप्पी बट फेल्ट मोर ट्रबल लुक वो खुश तो था लेकिन उसके अंदर कुछ छुपा हुआ था एक ट्रबल एक परेशानी थी वो अंदर उसके छुपी हुई थी लव डिज छुपी हुई थी ही वर्कड ऑन सेंड एंड सॉ हिज फीट आई शॉ टू इट अलाउ अलाउड यू आर ए चीट यू लेफ्ट मी वन आई नीडेड यू मोस्ट अ वॉइस देन सेड आई वॉज़ विद यू एंड वेरी क्लोज तो अब जब वो दोबारा सैंड पे जाता है वॉक के लिए वॉक कर रहा होता है तो तभी उसको नज़र आते हैं कि एक और पेयर फुट स्टेप्स के यानी पैरों के निशान के दोबारा दिखने लगे हैं उसको वो फिर चीखता है कि तुम चीट हो वो भगवान से कहता है कि तुमने मेरे साथ चीट किया धोखा किया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूरत थी तो तुमने मुझे छोड़ दिया वॉइस देन सेड एक आवाज़ तब कहती है आवाज़ किसकी थी वो भगवान की तो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ था और बहुत क्लोज था आई सेड यू लाई ओनली माई स्टेप्स आई कुड सी यानी वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो मुझे सिर्फ अपने ही स्टेप्स नज़र आते थे स्टेप्स यानी पैरों के निशान गॉड सेड माई चाइल्ड दे वर नॉट योर प्रिंट्स आई कैरिड यू इन आर्म्स वट यू सॉ वर माई ओन हिंट्स तो भगवान क्या कहते हैं उससे कि मेरे माई uh, चाइल्ड मेरे बच्चे मीनस जैसे भगवान हमें बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं तो उसे कहते हैं वो तुम्हारे प्रिंट नहीं थे वो मेरे पैरों के निशान थे मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था और जो तुमने देखे वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं वो मेरे पैरों के निशान तुम वह दिख रहे थे गॉड सेड आई पिकड यू अप एंड वॉक द डिफ़िकल्ट टाइम्स नाउ यू कैन वॉक एस प्रॉस्पेरिटी विथ यू राइम्स मैंने तुम्हें उठा रखा था तुम्हारे मुश्किल समय में अब तुम खुद चल सकते हो क्योंकि तुम्हारी पॉस्पैरिटी तुम्हारी जो पैसा है तुम्हारा जो बिज़नेस है तुम्हारा जो काम है दोबारा दोबारा से तुम्हारे साथ है तुम दोबारा से संपन्न हो गए हो तो तुम मैंने तुम्हें दोबारा उतार दिया है डोंट लूज होप वेन एवरीथिंग ड्रोम्स यानी कि हमें इस आ, कविता से इस पोएम से हमें क्या कहना चाहते हैं भगवान कि हमें कभी भी आशा या उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए जब सब कुछ डूब रहा हो ड्राम्स मन तो सब कुछ खराब हो लाइफ में सब कुछ बेकार जा रहा हो बहुत बुरा समय चल रहा हो हमारा क्योंकि गॉड लिफ्ट्स यू अप एंड नेवर लेट्स यू डाउन यानी भगवान हमें उठा लेते हैं उठा मतलब हमें हिम्मत देते हैं हमें ताकत देते हैं उस समय से लड़ने की ठीक है यानी भगवान हमारे साथ ही होते हैं और कभी भी हमें वो नीचे गिरने नहीं देते लेकिन हमें मेहनत अपनी खुद की करनी होती है सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ डोंट लूज़ होप एवर चाहे कैसा भी समय हो कभी भी आशा या उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए अपना जो विश्वास है हमें भगवान के ऊपर कायम रखना चाहिए